नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं सीलिंग फैन वाइंडिंग के तीन वायर कनेक्शन जल जा चुकी हैं। ये इधर देखो, पूरा मेल्ट होके जल जा चुकी हैं। हमें इसको अब नए ये तीन वायर हमें नए फिट करने जा रही हैं। और आप नवी वाइंडिंग करें तो भी कनेक्शन करने का ऐसा तरीका रहता है। ये तीन वायर हमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कौन से वायर देना, इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो अच्छे से देखो, पसंद आया तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों। सभी सीलिंग फैनों में सेम कनेक्शन रहता है, ठीक है दोस्तों। हमें सबसे पहले अंदर के कायल के दो वायर आता है, ये आके हमें वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले ये वाइंडिंग स्टार्ट करने का है, ये एंडिंग का है। ये अंदर के दो लीड आती हैं और बाहर के दो लीड आती हैं। हमें ये सबसे पहले अंदर के कायल अच्छा है या नहीं बोल के चेक करना चाहिए, और बाहर का कायल अच्छा है या नहीं चेक करना चाहिए दोस्तों। ये कायल चेक करने के लिए हमारे को सीरियस का कनेक्शन लेना है दोस्तों। लिए के बाद हमें अंदर के कंटिन्यूटी चेक करो, ये अंदर के कायल अच्छे हैं, और बाहर की वाइंडिंग चेक करो, ये बाहर की वाइंडिंग भी अच्छी है, ठीक है दोस्तों। आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहिए सबसे पहले। कंटिन्यूटी ओके है तो आप कनेक्शन देना चाहिए। कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है तो ये वाइंडिंग क्या वाइंडिंग रिपेयरी क्या है वो आप रिपेयरी कर लेना चाहिए दोस्तों। ये हमें कनेक्शन करने के लिए हमारे को तीन टुकड़े से वायर लेना चाहिए। इसके अंदर से निकलने के लिए आपको इतने लंबे लेना चाहिए। ये मार्केट में मिलता है रुपये को तीन पीसा मिलती हैं। इसको स्लीव ग्लू सब आता है। आपके पास ये नहीं मिल रहा है तो आपकी मिक्सी की पावर केबल में की वायर तीन वायर कट करके जॉइन कर सकती हैं दोस्तों। इसको जॉइन करने के लिए हमें बाहर की एक वायर लो और अंदर की एक वायर लो। सबसे पहले हमें इसको वायरिंग को स्किन करना होगा दोस्तों। ये एल्यूमिनियम वाइंडिंग है, हमें धीरे से करना होगा। कॉपर की वायर है तो थोड़ा स्ट्रेंथ रहती है, उसको हमें सॉल्डरिंग भी कर सकती हैं। इसको सॉल्डरिंग वेल्डिंग कुछ भी नहीं करने आता है। अब धीरे से इसको कनेक्शन करना होगा दोस्तों। देखो, ये दो वायर अच्छे से ट्विस्ट करो। उसमें ट्विस्ट होने के बाद इसको हमें हमारी रेड वायर कनेक्शन देना होगा। दोस्तों मैं इसको कनेक्शन करके दिखलाता हूँ आपको, कैमरा में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। दोस्तों ये एल्यूमिनियम का है, हमारे को ट्विस्ट करने के बाद सॉल्डरिंग नहीं होएगा। आपका कॉपर का वायर है तो आप सॉल्डरिंग कर सकती हैं। ये एल्यूमिनियम का है, इसको सॉल्डरिंग करने नहीं आएगा। इसके लिए हमें ऐसा ओपन छोड़ते हैं, इसको अच्छे से ट्विस्ट करके इसकी हमें स्लीव डालेंगे दोस्तों। डालने के बाद इसके अभी दो वायर बचे रहती हैं, एक वायर एक लीड दोस्तों। ये बाहर की लीड को हमें येलो वायर दो, अंदर के लीड को हमें येलो वायर दो, बाहर के लीड को हमें ब्लैक वायर दो। मैं आपको ये कनेक्शन करके दिखलाता हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है, मैं ये कनेक्शन करके दिखलाता हूँ आपको दोस्तों। ये हमें तीन वायर भी अच्छे से कनेक्शन कर चुके हैं। अब इसको हमें तीन वायर भी इसके होल के अपोजिट ऐसा रख के हमें अब टैग डालना होगा। ऐसा तीन वायर भी जमा के हमें ये होल के अपोजिट रखना होगा दोस्तों। रखे के बाद हमें ऐसा एक टैग लेके हमें दोस्तों, आपके पास टैग नहीं है तो आप डोरी छोटी रस्सी भी बन सकती हैं। आपके पास टैग नहीं है तो रस्सी भी बन सकती हैं। देखो दोस्तों, ये हमें टैग अच्छे से इसको टेंट कर चुके हैं दोस्तों। ये पूरा टाइट होने के बाद एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लो, तीन वायर भी दोस्तों, तीन वायर भी कंटिन्यूटी देखो आ रहे हैं। कंटिन्यूटी तीन वायर भी आ रही हैं। अब हमें ग्राउंड चेक करो, ग्राउंड क्या नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। वाइंडिंग के वायर कनेक्शन करने का ऐसा तरीका रहता है,
ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।